जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर काला दिवस मनाने पहुंचे बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट के बीच ज्ञापन को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में अन्य लोगों के हस्तक्षेप करने पर हंगामा शांत हुआ। दरअसल 1 नवंबर 1956 को पृथक बुंदेलखंड राज्य को समाप्त किए जाने के विरोध में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए कचहरी के निकट स्थित गांधी उद्यान पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश के अंतर्गत 35 देसी रियासतों को मिलाकर पृथक बुंदेलखंड तथा बघेलखंड राज्य बनाए गए थे। बुंदेलखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने और नौगांव में बुंदेलखंड राज्य का मुख्यालय बनाया गया। लगभग 8 साल इस राज्य का अस्तित्व रहा, लेकिन 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विभाजित कर समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल को चुनावी रैली में खुद प्रधानमंत्री के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा तत्कालीन झांसी ललितपुर सांसद उमा भारती ने बुंदेलखंड की जनता से वायदा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन इस संबंध में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में बुंदेलखंड राज्य तत्काल बनाए जाने की मांग की गई। गांधी उद्यान से जब कार्यकर्ताओं की भीड़ कलेक्ट्रेट में पहुंची और जिलाधिकारी के दरवाजे पर अपर नगर मजिस्ट्रेट निकलकर बाहर आए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुख्य गेट तक पहुंचने को कहा। इस पर केंद्रीय अध्यक्ष की अपर नगर मजिस्ट्रेट से तीखी नोकझोंक हो गई। उन्होंने प्रशासन और सत्ताधारी भाजपा का पिछलग्गू तक करार कर दिया और सीएम को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ते देख अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और स्थिति को संभाला। तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। धरना प्रदर्शन तथा ज्ञापन के दौरान बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नईम मंसूरी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद प्रताप सिंह, राज सिंह शेखावत, मुकेश सिंह ठाकुर, शंकर तिवारी, राजेंद्र सिंह चौहान, दुर्गा प्रसाद रायकवार, रामनारायण कुशवाहा